हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी और आरबीएससी बेस्ड होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कितने क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप दे पाते हैं। टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन वन है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के मध्य जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? ऑप्शन देखिए, पशुपति और इंद्र, पेड़ और पशु, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और शक्ति। फटाफट से जो है वो आंसर सोचिए, इसमें से कौन सा हो सकता है। तो क्या रहेगा इसका जो सही आंसर, तो बताइए फटाफट से इसका सही आंसर। ऑप्शन ए सही रहेगा, बी सही रहेगा, सी सही रहेगा या डी सही रहेगा। तो देखिए इसका जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा पेड़ और पशु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्न में से क्या नहीं मिला है? हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्न में से क्या नहीं मिला है? नालियां और कुएं, दुर्ग, धान्यागार, शिखर सहित मंदिर। देखिए आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी, तो बहुत ध्यान से आपको सोचना है कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। इसी तरीके से आप लोग जो है वो तैयारी करें कि हमें जो है वो सही आंसर पता हो। तो यहाँ पर एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों को ही ध्यान में रखकर जो है वो क्वेश्चन बनाए हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्न में से क्या नहीं मिला है? तो सोचिए क्या नहीं मिला है। नालियां और कुएं मिले हैं क्या? दुर्ग मिले हैं क्या? धान्यागार मिला है क्या? शिखर सहित मंदिर मिले हैं क्या? तो इसका जो सही आंसर होगा कि यहाँ पर मंदिर के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। तो ये जो है आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा धान्यागार, ये मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो है इमारत है, ठीक है, दुर्ग के अवशेष मिले हैं। नालियां जो हैं वो तो यहाँ की नगरीय व्यवस्था होने के कारण यहाँ नालियां जो है वो एकदम पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, ये भी मिले हैं और कुएं भी मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ईंटों की कृत्रिम डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो डॉकयार्ड कहे या जिसे आप क्या कहते हैं, गोदीवाड़ा कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, अब डॉकयार्ड वर्ड जो है समझकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ए देखें, लोथल है, कालीबंगा, हड़प्पा और धोलावीरा। अब सोचिए इसमें सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा कि ईंटों की कृत्रिम डॉकयार्ड, ईंटों की कृत्रिम गोदीवाड़ा वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो वो था लोथल। ठीक है, बुक यदि आपने नहीं पढ़ी है, बुक में देखिएगा कि यहाँ पर गोदीवाड़ा का चित्र जो है वह दिखाया भी गया है एनसीईआरटी की बुक में। तो 6 से 12 तक की जो है वो बुक पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? कृषिक सभ्यता, नगर सभ्यता, पुरापाषाण सभ्यता या मध्यपाषाण सभ्यता। सबसे पहले जो है क्वेश्चन जो है वो ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर विशेषता कौन सी पूछी है? मुख्य विशेषता पूछी है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि मुख्य विशेषता क्या थी। कृषिक सभ्यता थी क्या, वो कृषि होती थी? नगर सभ्यता क्या, नगरीय सभ्यता थी? पुरापाषाण सभ्यता या मध्यपाषाण सभ्यता? तो यहाँ पर जो मुख्य विशेषता रही थी वो क्या रही थी, वो रही थी नगरीय व्यवस्था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार, धान्यागार, 2 मंजिला मकान या स्तंभ हॉल? तो देखिए यदि आपने मुझे अच्छे से सुना तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इसका आंसर। तो यदि आपने नहीं भी सुना है तो अभी मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी कि सबसे बड़ा भवन पूछा है, वो भी किसका? मोहनजोदड़ो का। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार भी मिला है, धान्यागार भी मिला है, ठीक है, मकान भी मिले हैं। तो यहां पर पूछा है सबसे बड़ा भवन। ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपने केवल सटीक आंसर याद रखना है कि मोहनजोदड़ो में जो है धान्यागार जो कि सबसे बड़ा भवन था। यहाँ पर जो है वो कई क्या सोचते हैं, विशाल स्नानागार। देखिए सबसे बड़ा विशाल जो स्नानागार यदि पूछा जाए तो वो कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो में मिला। ठीक है, यहाँ पूछा है सबसे बड़ा भवन, तो सबसे बड़ा भवन था धान्यागार, ये सही आंसर है। आगे देखें, निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता में से सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, कनिंगम और दयाराम साहनी, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित ये सभी विद्वान हैं। ठीक है,
अब जो सही आंसर जो क्या पूछा है इसमें कि इनमें से कौन से हड़प्पा सभ्यता में से सबसे पहले खोजकर्ता जिन्होंने खोज की, ठीक है, ये नहीं पूछा है, उत्खननकर्ता नहीं पूछे हैं, क्या पूछा है, सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, यानी जिसने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल खोजा वही होंगे, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, कनिंगम या दयाराम साहनी। तो इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल सही है, दयाराम साहनी। चलिए, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में नहीं किया गया, ठीक है, ऑप्शन देखिए, टेराकोटा, लोहा, कांसा और शैलखड़ी। तो देखिए एनसीईआरटी की बुक में जो है जो जो शब्द दिए गए हैं यदि उनको आपने पढ़ लिया है या नहीं भी पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो आंसर होगा ये होगा लोहा, ठीक है, लोहा की खोज जो है वो 600 ईस्वी के बाद जो है वो होती है। तो यहाँ पर टेराकोटा यानी कि मिट्टी से बनी हुई इस शब्द का प्रयोग जो है वो हुआ है, ठीक है, कांसा, तांबा, शैल खड़ी यानी कि पत्थर की, पत्थर का उपयोग जो है वह भी यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा लोहा, ठीक है। कई जो है वो आपको टेराकोटा शब्द जो है वह भी जो है वो सुनने में मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी की बुक यदि आप फॉलो करेंगे तो वहां पर बिल्कुल लिखा हुआ है कि टेराकोटा का प्रयोग भी किया गया। नेक्स्ट देखिए, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, सिंध, टल्लरकाना, मोंटगोमरी या उधमपुर। देखिए यहां पर जो है आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा बी ऑप्शन, लरकाना, ठीक है, क्योंकि प्रांत जो था वह था सिंध प्रांत, ठीक है, और जिला कौन सा, लरकाना। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अरेमाइक, अज्ञात थी, ब्राह्मी थी या खरोष्ठी थी। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है कि जो लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है लिपि जो है यहाँ पर लिखावट जो है वो मिली, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, ठीक है, उसको पढ़ा नहीं जा सका। इसका मतलब क्या है कि वह जो लिपि थी वह अज्ञात थी, ठीक है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, कृषि, व्यापार, पशुपालन या चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन। तो यहाँ पर कृषि के प्रमाण जो है वो मिलते हैं, ठीक है, और चाक पर बनाई गई जो मिट्टी के बर्तन है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन जो है वह भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि जो इकोनॉमी थी वहां की सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उसकी जो ताकत क्या थी, ताकत थी व्यापार, ठीक है, व्यापार होता था। तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, व्यापार, यहाँ पर गलत लगा हुआ है, कृषि नहीं थी, आंसर रहेगा व्यापार, ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख किस वस्तु पर निर्मित प्राप्त हुए हैं, अभिलेख जो है वो किस वस्तु पर निर्मित प्राप्त हुए, मुहरों पर, शिलालेखों पर, ताम्र पत्र पर या उपरोक्त सभी। तो सोचिए आंसर क्या रहने वाला है, किस वस्तु पर निर्मित प्राप्त हुए अभिलेख। तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा मुहरों पर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, चंद्रावती सभ्यता की खोज किसने की, चंद्रावती सभ्यता की खोज किसने की, कर्नल थॉमस, जेम्स प्रिंसेप, कर्नल जेम्स टॉड या रॉबर्ट हुक। तो क्वेश्चन 12 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कर्नल जेम्स टॉड। तो सोचिए फटाफट से इसका जो सही आंसर क्या होगा, ठीक है। अब इसमें से एक दो जो है वो आप ऐसे ही मिला सकते हैं यदि आपने याद भी नहीं किए हैं। देखिए, का से कुभा है और का से ही काबुल है, ये आपका मैच हो गया, ठीक है। परोषणी में देखिए रा है, रा है, ठीक है, तो रा को जो है वो रा से मिलाइए, परोषणी का जो वर्तमान नाम क्या था, रावी, ठीक है। यहाँ पर दा में देखिए सतुद्री, सा से सतुद्री है, इसको आप जो है वो सत सत जो है सत को मिलाइए सत से ही, तो ये हो गया आपका सतलज। अब एक जो बच गया इसका जो नाम है वो क्या है, गंडक। तो अब देखिए आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है, 2 3 1 4।
चलिए नेक्स्ट देखें, सिंधु सरस्वती सभ्यता का चनूदड़ो नामक स्थल स्थित है। चनूदड़ो नामक स्थल जो है वो कहाँ है? अफगानिस्तान, भारत, इराक और पाकिस्तान। तो बताइए सिंधु सरस्वती सभ्यता का चनूदड़ो नामक स्थल जो है वो कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान, भारत, इराक या पाकिस्तान? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि अभी आपके पास समय भी बहुत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? पाकिस्तान। ठीक है, चनूदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है। नगरीय व्यवस्था में तीन भागों में नगर व्यवस्था किस स्थल की है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता ही टॉपिक है हमारा, इसमें क्वेश्चन उसी के पूछे जा रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तीन भागों में नगर व्यवस्था किस स्थल की है? तीन भागों में पूछा जा रहा है, जबकि विशेषताओं में हमने कई बार पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वहां पर नगर दो भागों में बटे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कि ये अपवाद है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसमें नगर व्यवस्था जो है वो तीन भागों में बटी हुई थी। लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा व चनूदड़ो और धोलावीरा। तो सोचिए इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। तो फटाफट से आप जो है वो आंसर लगाइए, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा धोलावीरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। भारतीय उपमहाद्वीप में खोजा गया प्रथम नगर कौन सा था? प्रथम नगर, भारतीय उपमहाद्वीप में खोजा गया प्रथम नगर। क्वेश्चन देख कर ही आपको पता लग जाना चाहिए प्रथम नगर की बात हो रही है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय व्यवस्था थी। ठीक है, उससे पहले तो नहीं थी। तो प्रथम नगर सिंधु घाटी सभ्यता का पूछा जा रहा है ना? तो ऐसे क्वेश्चन में ही पकड़ लें आप आंसर क्या हो सकता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते ही जो है वो बच्चे कंफ्यूज कि भारतीय उपमहाद्वीप में खोजा गया प्रथम नगर कौन सा था, ये हम कैसे पता करें? तो कॉमन सेंस लगाएंगे यदि कि नगरीय व्यवस्था जो है वो सबसे पहली कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो यहां पर आंसर जो है वो क्या रहेगा? बहुत ही सिंपल है, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में दीवारें जो थी वो किसकी बनी थी? ईंटों से बनी थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईंटों से परिचित थे। उनके ऊपर जो है गारे का लेप किया जाता था। तो वो कौन सी सभ्यता थी, कौन सा स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता में? चनूदड़ो, राखीगढ़ी, लोथल और कालीबंगा। तो यहाँ पर भारत में जो स्थल है उनके बारे में पूछा गया है कि यहाँ पर दीवारें जो थी किसकी बनी थी? ईंटों की, और उनके ऊपर गारे का लेप किया जाता था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? काली बंगा। ठीक है, तो कहां पर है ये? हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान। अग्निवेदिका के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अग्निवेदिका के साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से मिले हैं? चनूदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी और लोथल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा काली बंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आज आपसे 18 क्वेश्चन पूछे हैं। आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि 18 में से कितने जो हैं वो आपने सही किए हैं, क्या आप इनको हल कर पा रहे हैं? बिल्कुल 18 में से 18 यदि आप कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप सही चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बिल्कुल शुरुआत करें, क्योंकि अभी जो है आपके पास बहुत समय है। नेक्स्ट टॉपिक तो उसके प्रश्न मैं लेकर आऊंगी। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।